अगर लोकल पॉलिटिक्स में आ जाए तो यहाँ पे बंगाल में बहुत सारी चीज़ जो सामने आती है बीजेपी के खिलाफ, ये वायलेंस के लेकर जब प्रश्न उठता है तो ये भी प्रश्न उठता है, उड़ी को लेकर प्रश्न उठता है कि जब वोट के टाइम आते हैं तो बीजेपी जंग जंग खेल लेते हैं, और ये भी बोला जाता है कि पुलवामा में जो घटना घटी है उसमें भी मोदी सरकार की कुछ ऐसी चालें थी वोट जीतने के लिए, ऐसे तृणमूल कांग्रेस रिसेंट टाइम्स में ऐसे कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देश की सुरक्षा की कीमत पर भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीति नहीं करेगी, बल्कि ऐसी राजनीति को ठोकर मार देगी। अब देश की सुरक्षा की कीमत पर हम राजनीति नहीं करते। राजनाथ जी, देश की सुरक्षा से अगर मैं आपकी पार्टी की सुरक्षा की बात करूं, आपकी पार्टी के पहले कार्यकर्ता और अब बड़े बड़े नेता टारगेट किए जाते हैं, मतलब वो जाते हैं उनकी गाड़ियों पर पत्थर मारे जाते हैं, फिर होम मिनिस्ट्री उनको बोलती है आने के लिए तो आते नहीं हैं। आपको ये कितना बड़ा चिंता का विषय लग रहा है इन चुनावों में? नहीं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और कोई भी जिम्मेदार गवर्नमेंट होगी तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करेगी और करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है क्या वो कर रहे हैं? भाई, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मैं कह सकता हूं कि हाल हालात ठीक नहीं है, और वहां की गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर बहुत कुछ करने की जरूरत है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। राणा जी, क्या आपको लगता है ऐसे हालात में बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएंगे, जब कलकत्ता जैसी जगह में एक घर के पास 20-20 बम पकड़े जाएं साल में, बमों की फैक्ट्री हो, गवर्नर साहब ये कह दें कि ये हब ऑफ बॉम्ब मेकिंग बन गया है, तो आपको लगता है कि यहां पर चुनाव शांतिपूर्ण हो पाएंगे? नहीं, चुनाव शांतिपूर्ण होने चाहिए, यह हम भी चाहते हैं और यह पश्चिम बंगाल की जनता भी चाहती है। और आपने देखा होगा कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन की एक टीम कलकत्ता गई थी और उन्होंने सारी स्थिति का जायजा लिया है, और जायजा लेने के बाद वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक रखने के लिए चुनाव के दौरान क्या कदम उठाए जाने चाहिए, वह इलेक्शन कमीशन वह कदम उठाएगा।